हेलो एवरीवन। तो हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे पिज्जा, चीज पिज्जा। तो ये मार्केट के पिज्जा हैं, रेडीमेड, जो बेकरी से लेकर आए थे। इसमें सबसे पहले लगाएंगे कोई भी अपने पास जो टमाटो सॉस, उसे तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये है पिज्ज़ा सॉस, ये घर पे भी बना सकते हैं और रेडीमेड भी ला सकते हैं। तो ये मार्केट का है, इसे अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ। उसके बाद चीज़ डालेंगे, चीज़ अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, एज यू लाइक। और इसके बाद में ये जो मोटे मोटे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च काट के रखे हुए थे उनको लगा देंगे। हमने इससे पहले भी कई बार बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप भी बनाइए और खिलाइए अपनों को।
इसमें थोड़े सोर लगा रही हूँ। ये मज़े ले लेके मस्ती से लगा रहे हैं, देखो जितने प्यार से बनाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। खेल खेल में पिज्जा बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है जो भी काम करें तो इंजॉय करते हुए करें। ये ऊपर से थोड़ी हरी मिर्च डाली जा रही है। फिर ऊपर से और थोड़ी सी चीज़ डाल दी। ये मैंने पहले भी बताया कि ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल लेते थोड़े से। और ये फिर से थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल रहा है, दोबारा नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। हम यहाँ आ गए हैं। ये बाटी का जो ओवन होता है ना, बाटी कुकर, उसको गर्म करके उसमें रख दिया है। और इसको सात आठ मिनट के बाद चेक कर लेंगे। और देखिए पिज्जा सिकना तैयार हो गया। इसको ढक्कन लगा दिया। अब ये देखिए 15 मिनट के बाद प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। आप भी बनाइए और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। थैंक यू।